नमस्कार, मैं सुष्मिता आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं नवरात्रि महोत्सव में। संस्था माँ राज राजेश्वरी के दर्शन हेतु गुफा में आपको लेकर जाऊंगी, साथ ही गरबा महोत्सव का आनंद आपके घरों तक पहुंचाऊंगी एसआर के थ्रू। यही है कॉलोनी बाग का वह रास्ता जो माँ राज राजेश्वरी की पवित्र गुफा तक जाता है। चलिए मेरे साथ। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये रास्ता बढ़ता है पवित्र गुफा की ओर। आपको लेकर चलती हूँ पवित्र गुफा में और दर्शन करवाती हूँ माँ राज राजेश्वरी के। चलिए मेरे साथ। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। श्रद्धालुगण, अब हम आ चुके हैं पवित्र गुफा के मुख द्वार पर। यहाँ से भीतर चलते हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जिस प्रकार से रास्ते में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन मंजिल बहुत ही मधुर होती है, उसी प्रकार से इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से, इन टेढ़े मेढ़े कटीले रास्तों से होते हुए हम माता रानी के दर्शन करने हेतु आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण झूले के तर्ज पर पुल बनाया गया है। इस रास्ते से होते हुए हम पहुँच चुके हैं प्राचीन मंदिर में माता के दर्शन हेतु। यहाँ पर विराजमान है मुख्य मंदिर में माता जी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्राचीन मंदिर में माँ के दर्शन करने के बाद हम गुफा में आगे बढ़ते जा रहे हैं माँ जगदम्बे के दर्शन हेतु। इस दुर्गम रास्ते के सहारे हम जा रहे हैं माँ जगदम्बे के दर्शन हेतु। आखिर हमें माँ ने बुला ही लिया, अब हमारे सामने है माँ जगदेश्वरी जगदम्बे का स्वरूप। दया रूपेण संस्थिता।
इन उबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए हम आ चुके हैं माँ जगदेश्वरी जगदम्बे के सम्मुख। यहाँ पर विराजमान है मातेश्वरी, माँ राजराजेश्वरी। गुफा का निर्माण बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। आपके सामने विद्यमान है माता के नौ स्वरूप। इन नौ स्वरूपों के साथ ही मध्य में विद्यमान है, विराजमान है सती माता। सती माता जो अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना बुलाए एक यज्ञ में पहुँच गई। जब वे वहाँ पहुँची तो उनके पति महादेव और उनका उनके पिता द्वारा घोर अपमान किया गया। इस अपमान को सती माता सहन न कर सके और वो उसी यज्ञ की वेदी में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। जैसे ही इस बात का पता महादेव शिव शंकर को चला तो वे वहाँ पहुँचे और सती माता के जलते हुए शरीर को उन्होंने उठा लिया। वे क्रोधित होकर तांडव करने लगे। पूरी धरती में चहुं ओर हाहाकार मच गया था। शिव शंकर के क्रोधित रूप और तांडव नृत्य से प्रलय जैसी परिस्थिति विश्व में उत्पन्न हो चुकी थी। उसी समय पालनकर्ता भगवान विष्णु वहां पहुंचे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े जहां कहीं भी धरती पर गिरे वे शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसी माता सती को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अब समय हो चला है माता सती जगदेश्वरी राज राजेश्वरी की आरती का। आइए चलते हैं हम सब मिलकर माँ की आरती करते हैं। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता निद्रारूपेण संस्थिता
सिंहों से भी बलशाली, हे दस भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बचाने वाली सतियों के सत को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ राजराजेश्वरी की आरती के मुख्य अतिथि से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आज प्रथम दिन है नवरात्रि का, इस अवसर पर देवास वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, साथ में राजराजेश्वरी कॉलोनी बाग की एक भव्य मंदिर और प्राचीन मंदिर है जी। इसमें भव्य झांकी का जो आज यहाँ प्रदर्शन किया गया है, निश्चित रूप से देवास वासियों को देखने के लिए बहुत अच्छी चीज महसूस होगी। मैम, अंदर का जैसा वातावरण था, माहौल था आसपास, आपने क्या महसूस किया? भक्तिमय माहौल था जो सभी देवास शहर के वासियों को बहुत अच्छा महसूस होगा, भक्तिमय आनंद महसूस होगा। और बहुत पुराना मंदिर है ये जी, यहाँ पर बहुत लोगों की आस्था है तो आस्था से जुड़े सभी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर। सर, जैसे आपने बताया और सभी को पता भी है कि मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर ये जो सारा आयोजन होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
प्राचीन मंदिर है राजराजेश्वरी का, और इसमें जो आयोजन होता है पिछली बार जो पिछले 5-10 वर्षों से गुफा का आयोजन करके और एक भक्तिमय वातावरण बनाते हैं, एक प्राकृतिक व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से देवास वासियों को और माँ भक्तों को जो देखने में महसूस होता है कि इसी गुफा के चलकर वो माता के दर्शन होते हैं, देखना अनूठा मन में महसूस हो, खुशी महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है, अच्छा है आयोजन यहाँ का, और राहुल भैया यानी शुरू से करते आ रहे हैं यहाँ का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। ठीक, गरबे भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, गरबे भी अच्छे होते हैं। हाँ, हर साल मतलब गरबे बहुत झांकी बहुत सुंदर बनती है यहाँ की, सबसे अच्छी देवास में सबसे फर्स्ट नंबर पे झांकी यहाँ की बनती है, सबसे बढ़िया झांकी यहाँ की। हाँ, कॉलोनी बाग की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। संस्था महाराज राजेश्वरी का ये जो पूरा आयोजन विगत कई वर्षों से होता चला आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस माँ का जो आशीर्वाद है वो सदा ही हम सब पे बना रहे, और ऐसे ही आगे आने वाले समय में ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें, और माता रानी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। थैंक यू सर। जैसा मैम ये जो पूरा आयोजन हो रहा है इसमें आपने अभी आरती की, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया लगा आरती करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आरती के बाद समय हो चला है गरबों का, आइए चलिए मेरे साथ और आनंद लेते हैं गरबों का। Thank you.
Thank you.
माँ राजराजेश्वरी को हमारे बीच उपस्थित हुए पहला दिन हुआ है। पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। आज अपनी पूरी टीम और कैमरामैन कैलाश तारानी के साथ आपसे लेती हूँ विदा और कल फिर उपस्थित होंगे। आपको लेकर चलेंगे पवित्र गुफा में और करेंगे माँ की आरती।